بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, little boys and girls. I think you are spending very happy days at your homes. You have been learning a very interesting story about Pippi. Pippi long stocking. And you knew, आपको ये पता चला कि पिपी को लॉन्ग स्टॉकिंग क्यों कहा जाता है. इन दिस स्टोरी आपने इस कहानी में यू हैव लर्न मैनी थिंग अबाउट पिपी के बारे में आपने बहुत सी बातें सीखी. कीपिंग पिपी इन योर माइंड, पिपी को अपने जहन में रख के आपने पिपी पर सम 5 or 6 लाइन्स का एक पैराग्राफ लिखना है. यू हैव टू राइट अ लिटिल पैराग्राफ अबाउट पिपी इन योर नोटबुक इन योर पेपर. एंड द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब पिपी इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में पिपी को बयान करें. डिस्क्राइब पिपी इन योर ओन वर्ड्स. सेकेंड क्वेश्चन हैविंग द सेम मीनिंग्स, गिव ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पिपी, पिपी का डिस्क्रिप्शन दिखाएं, पिपी की शक्ल सूरत और अगर उसकी कुछ खूबियां हैं तो वो आप ज़रूर बताइए. सो इन सवालों को हल करने के लिए आपने सवालों को समझा. सवाल ये है कि पिपी का हुलिया और उसकी चंद आदतें अपने अल्फाज में बयान कीजिए. पिपी का हुलिया, पिपी का आउटलुक, पिपी कैसे नज़र आती है वो भी आपने यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. हाउ यू विल राइट, आप पिपी को कैसे लिखेंगे. देखिए पहला है इंट्रोडक्शन. यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ पिपी. पिपी का आपने फर्स्ट लाइन में क्या देना है, इंट्रोडक्शन. पिपी इज अ लिटिल गर्ल, दिस इज इज इंट्रोडक्शन. उसका इंट्रोडक्शन ये है, पिपी इज अ लिटिल गर्ल एंड इफ शी इज ऑफ योर एज, अगर वो आपकी एज है और आपकी एज है 10 ईयर्स तो आप लिखेंगी या लिखेंगे पिपी इज अ लिटिल गर्ल ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड. पिपी इज अ लिटिल गर्ल ऑफ 10 ईयर्स ऑफ एज, पिपी 10 ईयर्स ऑफ एज की एक लिटिल गर्ल है. वेयर शी इज लिविंग, यू हैव टू डिस्क्राइब इट. शी इज लिविंग इन अ बिग विला एंड शी इज लिविंग विद हर मंकी. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पिपी. पिपी इज अ लिटिल गर्ल ऑफ 10 or 11 years of age. She is living a beautiful and large house and she is living with her monkey and her monkey name is, and you know that, what is this monkey's name, what is the name of monkey, Nelson. Yes. Second, you have to tell something about how Pippi looks like. Pippi kaise nazar aati hai. Pippi has a big nose. पिपी का एक बहुत बड़ा नाक है. पिपी हैज़ टू ब्रेड्स हैविंग रेड कलर्स, उसके दो बड़ी बड़ी चुटिया है, उसकी दो चुटियाँ हैं, चुटिया, यू नो, जब आप अपने बालों को बांधेंगी तो ये चुटिया होगी. जब कोई बड़ी खाला या कोई बड़ी औरत अपने बालों को तय करेगी, बेलेगी, उसको गूंदेगी और उसकी एक चुटिया बनाएगी, वो होगी चोटी. तो आपकी जो ब्रेड है ये है ब्रेड चुटिया और पिपी की दो चुटियाँ हैं. पिपी इज़ अ गर्ल ऑफ योर एज. तो यू लाइक आफ्टर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आपने पिपी की अपीयरेंस बतानी. यू हैव टू टेल हाउ डज शी लुक लाइक, वो कैसे नज़र आती है. तो आपने देखा, आप कहते हैं पिपी हैज़ red carrot like hair, having two straight braids, she has a big nose, she is wearing unusual dress, uska jo dress hai wo unusual hai, she has long stocking of different colors, this is, she is wearing two big shoes इन हर स्मॉल फीट, उसके दो बड़े बड़े बूट हैं और उसके पाँव छोटे छोटे. दिस इज़ शी लुक्स लाइक, उसकी अपियरेंस आपने बतानी है.
So PP in the first introduction, and then you are telling her appearance, how she looks like. Then you have to tell the nature, how she feels about people. You know, PP by nature, she is very friendly. आपको पता है ना, टॉमी एंड अनिका के साथ शी बिगेन्स टू बिल्ड हर फ्रेंडशिप. उसने अपनी दोस्ती बनाना चाही. बाय नेचर शी इज़ वेरी फ्रेंडली. पीपी इज़ अ वेरी फ्रेंडली एंड इंटेलिजेंट गर्ल. शी इज़ अ फनी गर्ल. शी लाइक्स टू लुक फनी. दिस इज़ हर नेचर. शी इज़ अ फनी गर्ल. वो फनी है. पीपल उसको देख के खुश होते हैं. पीपल वन पीपल सी हर दे फील वेरी हैप्पी. सो यू हैव फाउंड थ्री थिंग्स इन हर नेचर. पीपी इज वेरी फनी गर्ल. शी इज़ वेरी पोलाइट एंड शी इज फ्रेंडली. शी इज रेडी टू मेक हर फ्रेंड्स वेरी क्विकली. बहुत जल्दी वो अपने दोस्त बनाती है. यू नो दिस इज नेचर. नेचर मीन्स हाउ वन सेल्फ, हाउ अ पर्सन बिहेव्स, लोग कैसे सलूक करते हैं. शी इज़ फ्रेंडली. वो दोस्तों में तैयार हो जाती है. शी इज़ फ्रेंडली. वो जल्दी जल्दी दोस्त बन जाती है. शी इज़ फनी. शी लुक्स फनी. वो बहुत फनी है. एंड शी इज़ वेरी पोलाइट एंड रेडी टू मेक हर फ्रेंड्स वेरी क्विकली. मैनर्स. What her manner, how she behaves with other people. She is polite and generous. She is polite and generous. वो बहुत polite है और दिल की अच्छी है. दिल खोल कर दूसरों से मिलती है. How do you know that she is generous? आपको कैसे पता चला? When she offers her new friends to have tea with her. जब वो अपने दोस्तों को कहती है कि आओ आप मेरे घर चलिए, मैं आपको चाय पिलाऊंगी. जैसे आप अपने दोस्तों को अपने घर बुलाते हैं, आप उनको अफ्तारी करवाते हैं. देन यू आर जेनरस. मैनर्स. पीपी इज वेरी काइंड एंड जेनरस गर्ल. शी इनवाइट्स हर टू फ्रेंड्स टू हैव टी विद हर एट हर न्यू हाउस. New house, very beautiful house. And quality. What is her quality? Khubi. She is a brave girl. She is a brave girl and she is friendly. The two qualities. She is very brave. She is very confident. Confident. बाएतमाद. वो लोग जो दूसरों के साथ जल्दी दोस्त बनते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं. शी इज़ वेरी ब्रेव, कॉन्फिडेंट एंड फ्रेंडली. सो लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे यू हैव लर्न टू राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपी. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मीन वट एवर यू फाउंड इन हर. जो कुछ आपने उसमें देखा यू राइट इन योर सिंपल वर्ड्स. हाउ यू विल राइट? फर्स्ट यू विल राइट आर इंट्रोडक्शन. आप उसका नाम लिखेंगे, उसकी एज बताएंगे, वो किस जगह पे रहती है, किसके साथ रहती है, ये आप बताएंगे. इट विल बी टू सेंटेंसेस. अपीयरेंस. व्हेन यू सी हर, जब आप उसको देखते हैं वो आपको कैसे लगती है. शी इज वेयरिंग अनयूजुअल ड्रेस. उसने पहना हुआ है. शी लुक्स वेरी फनी. वो बहुत फनी लगती है. और उसकी स्टॉकिंग कैसी है, उसकी चुटिया कैसी है, उसकी कमीज कैसी है, और वो चलती कैसे है. हाउ शी वॉक्स? शी वॉक्स बैकवर्ड्स. नेचर उसकी कैसी है. हाउ शी बिहेव्स विद अदर. शी इज़ वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली. वो दोस्तों के साथ बहुत फ्रेंडली है. शी मेक्स हर फ्रेंड वेरी क्विकली. शी इज़ वेरी बोल्ड. बोल्ड भी है, फ्रेंडली भी है और जेनरस भी है. मैनर्स में क्या है? शी इज़ वेरी पोलाइट. She is very polite and confident because she is living alone. There is no one with her. उसके साथ कोई नहीं है. She is living in a big house, only with her pet monkey.
बिकॉज शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी फ्रेंडली, शी इज़ वेरी ब्रेव गर्ल. दीज आर ऑल क्वालिटीज एंड यू हैव टू राइट टू लाइन्स अबाउट ईच क्वालिटी एंड दिस विल बी अ लिटिल पैराग्राफ एंड यू लर्न हाउ टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटीज. यू विल राइट इट एंड यू विल शो इट ऑन द पेज ऑन द व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल चेक इट. Have a nice day and enjoy PP. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.